रात भर जागे रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब तक एक एक बार में फंसा व्यक्ति नहीं निकला तब तक लेते रहे अपडेट। आज एक SDRF द्वारा बचाए गए चरवाहे से फोन पर बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग रूप सामने आया है। कल रात केंद्रीय मंत्री को सिंध नदी में अचानक बड़े जलस्तर और अधिक तेज गति से बहाव के कारण अलग अलग जगह 12 लोगों के टापू में फंसे होने की सूचना मिली। केंद्रीय मंत्री ने तुरंत प्रशासन को त्वरित हर इंतजाम करने के निर्देश दिए। SDRF की टीम इसके बाद पूर्ण मुश्तैदी से लगी और किनारे पर से संपर्क में फंसे हुए लोगों को बनाया। हालांकि सिंध नदी के पानी का बहाव तेज था जिसके कारण नाव ले जाना मुश्किल था। SDRF की टीम बहाव की गति कम होने का इंतजार करने लगी। केंद्रीय मंत्री इसके बाद इस रणनीति पर कार्य शुरुआत कर दी। अगर सुबह तक स्थिति नहीं बदली तो धारा की गति कम नहीं हुई तो तड़के सुबह हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। हालांकि सुबह में पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ और SDRF की टीम टापू में पहुंची और सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। कैसे हो आप? हाँ, सब सुरक्षित आ गए ना? वहाँ 24 घंटे बेचारे पूरे रात रह गए थे आप? हाँ, मैंने वहाँ प्रशासन से बात करके, आप सब सुरक्षित हो ना? हाँ, डर भी लग गया होगा तुमको। हाँ, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता ना करें। सबको सबको मेरा प्यार दे देना घर पे। ठीक है, अपना ख्याल रखना और मझारी में भी सबको कह देना मेरे तरफ से। ठीक है, और भैंस भी ठीक है? भैंस भी ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना राजपाल।